Now, at the stroke of midnight, Prime Minister Narendra Modi and President Pranab Mukherjee launched the biggest ever tax reform that India has seen. Our country now has finally got the goods and services tax that will usher in more transparency and an increased tax collection base. Setting a precedent of statesmanship, Prime Minister Modi said that he gave every party the credit for making the GST a reality. The Prime Minister said that the goods and services tax was not an achievement of one party alone and that it was the collective heritage of all. Listen in. 29 Raj, 7 Kendra Shasit Pradesh, Kendra ke 7 tax, Rajyon ke 8 tax, aur har chijon ke alag alag tax ka hisab lagayen, 500 prakar ke tax, कहीं न कहीं अपना रोल कर रहे थे. आज उन सब से मुक्ति पाकर के गंगानगर से लेकर के ईटानगर तक, लेह से लेकर के लक्षद्वीप तक, वन नेशन वन टैक्स. जीएसटी की इस व्यवस्था के कारण, टेक्नोलॉजिकली सारा ट्रेल होने के कारण, अब अफसरशाही उसके लिए ग्रे एरिया बिल्कुल समाप्त हो रहा है. उसके कारण जो सामान्य व्यापारियों को, सामान्य कारोबारियों को, अफसरों के द्वारा जो परेशानियां होती रही हैं, उससे मुक्ति का मार्ग इस जीएसटी के द्वारा. कोई ईमानदार व्यापारी बेवजह परेशान हो, वो दिन इसके साथ खत्म होने की पूरी संभावना इस जीएसटी के अंदर है. इस पूरी व्यवस्था में छोटे व्यापारियों को 20 लाख तक का व्यापार करने वालों को पूरी तरह मुक्ति दे दी गई है, और जो 75 लाख तक है उनको भी कम से कम इस चीजों से जुड़ना पड़े, इसकी व्यवस्था की है. ये बात ठीक है कि स्ट्रक्चर में लाने के लिए कुछ व्यवस्थाएं की है, लेकिन वो मिनिमम व्यवस्थाएं, नाम मात्र की व्यवस्थाएं की गई है, और उसके कारण सामान्य मानवीय जो है उसके लिए इस नई व्यवस्था से कोई बोझ होने वाला नहीं है. जीएसटी के तौर पर देश एक आधुनिक टैक्सेशन सिस्टम की ओर आज कदम रख रहा है, बढ़ रहा है. एक ऐसी व्यवस्था है जो ज्यादा सरल है, ज्यादा पारदर्शी है. एक ऐसी व्यवस्था है जो काले धन को और भ्रष्टाचार को रोकने में एक अवसर प्रदान करती है. एक ऐसी व्यवस्था है जो ईमानदारी को अवसर देती है, जो ईमानदारी से व्यापार करने के लिए एक नया उत्साह और उमंग भरने की व्यवस्था इससे मिलती है. एक ऐसी व्यवस्था है जो नए गवर्नेंस के कल्चर को भी लेकर के आती है, और जिसके द्वारा जीएसटी हम लेकर के आए हैं. भाइयों, साथियों, टैक्स टेररिज्म और इंस्पेक्टर राज, ये बात कोई नई नहीं है. सब दूर ये शब्द हम सुनते आए हैं. परेशानी भुगतने वालों से हमने उस चिंता को अनुभव किया है. महंगाई के ऊपर भी लगाम लगेगी, टैक्स अवॉइडेंस कठिन होगा, रेट पहले की तुलना में कम होंगे, देश की जीडीपी को लाभ मिलेगा, और जो अधिक राज्यों को और केंद्र को साधन मिलेंगे वो इस देश के गरीब की सेवा करने के लिए उनको एक अवसर उपलब्ध होगा. राज्य ने, केंद्र ने, सभी राजनीतिक दलों ने, सभी सांसदों ने, सभी विधानसभाओं के सदस्यों ने, सभी राज्य सरकारों ने एक मत से इसमें कार्य किया है. यहां विशेष रूप से मैं सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं. जीएसटी काउंसिल के जो सदस्य हैं, राज्यों के वित्त मंत्री, वो सुबह से शाम तक कई दिनों तक बैठे रहे इन निर्णयों को लेने के लिए, और एक लगन के साथ उनकी सहायता में जो अधिकारी राज्यों के और केंद्र के रात रात भर लगे रहे,
जो देश में बहुतों को उम्मीद नहीं थी कि पहली जुलाई का टारगेट मीट हो पाएगा, उस टारगेट तक पहुंचने का उन्होंने हम लोगों को एक आज उसके लिए तैयार कर दिया है। मैं विशेष रूप से उन सभी अधिकारियों का बहुत बहुत आभार। द जीएसटी इज एन इम्पोर्टेंट अचीवमेंट फॉर द होल कंट्री। द यूनानिमिटी ऑफ सपोर्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एंड द कंसेंसस बेस्ड वर्क ऑफ द जीएसटी काउंसिल दैट इंडिया highlights that India can rise above narrow politics and speak in one voice for larger national interest. In a few minutes from now, we will witness the launch of goods and services tax, a unified tax system in the country. This historic moment is the culmination of a 14-year-long journey which began in December 2002 when the Calcutta Task Force on Indirect Taxes suggested a comprehensive goods and service tax based on the value-added tax principle. India is changing very fast. I'm a little surprised. The whole world is appreciating GST. President Trump is appreciating GST. Mr. Putin is appreciating GST. Europe, America, everyone is talking of GST. But we should not talk about GST. Only because Mr. Modi is the Prime Minister. Sorry, I am very proud that my government could ensure a proper unanimity. It is a historic moment and we are very excited. The country is embarked on a new destination now. But how is it going to help our country, you know, as far as the possible? It will empower everybody. It will empower poor, rich, advance, backward, everybody. But sir, opposition is saying, in fact, Congress Vice President Rahul Gandhi has put out certain tweets that government is implementing it in a hasty manner. No, this is not time for politics. It's for national interest and we are excited for that. Entire global, I see, countries are appreciating. So then when big event is there, it should be in a bigger and grander manner, which is reflected by the country. That is the parliament. So that's why the parliament has been chosen. This is a grand manner and a historical way, and the people will understand what is the country, what is the parliament. देश के गरीब, दबे, कुचले सबको ऊपर उठाने में एक कर प्रणाली बहुत बहुत सहायक करेगी। आज एक देश एक कर का स्वप्न साकार हुआ है। मैं आशा करता हूं कि देश की जनता इन नई कर प्रणाली से सहजता भी अनुभव करेगी और इस सरल कर प्रणाली का स्वागत भी करेगी। देखिए, शुरू में जो लोगों को लग रहा कि थोड़ा पेचीदा है, कोई भी नई चीज आती तो लोगों को कठिनाई होती है, लेकिन दो चार महीने में चीजें सामान्य हो जाएंगी। और इसलिए जो कुछ कठिनाइयां हैं, दो चार महीने की बात है, जब वैट आया था उसका भी उसी प्रकार से विरोध हुआ जैसे आज विरोध हो रहा है, लेकिन आज सभी राज्यों को वैट का लाभ मिल रहा है। और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि छोटी मोटी कठिनाइयों का समाधान करने में केंद्र राज्य दोनों अपनी भूमिका का निर्वाह करेंगे। इससे हमारी ग्रोथ बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, गरीबी दूर होगी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि करप्शन, जिसके कारण अनेक टैक्सेस थे, करीब 17 टैक्सेस और 22 सेस रद्द होंगे, जिसमें ग्राहकों को भी, व्यापारियों को भी और सभी को एक सुविधा मिलेगी और एक बहुत अच्छा रिवोल्यूशन हुआ है। पूरा देश आनंद महसूस करेंगे, कारण क्या, जैसा अभी कह दिया, गुड सिंपल टैक्स है जीएसटी। माने प्रधानमंत्री ने नया गुड सिंपल टैक्स है, इसलिए देशवासी आनंद है। मैं समझता हूँ ये देश का ऐतिहासिक क्षण है कि अर्थव्यवस्था में जबरदस्त अर्थ क्रांति लाने का प्रयास सरकार ने किया है। और आज प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से कहा कि इसके लिए हमारी सरकार नहीं, पूर्व सरकारें भी उनको भी श्रेय है, ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने सब लोगों को श्रेय दिया। और निश्चित रूप से आने वाला कल अर्थव्यवस्था की दृष्टि से हमारा देश बड़ा मजबूत होगा। ये इतिहास गवाह है कि जो लोग राष्ट्र के उत्थान का विरोध करते हैं वो भी कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में घूम जाते हैं। इट्स अ डिवाइडेड ऑपोजिशन बिकॉज दे नो दे वर द पार्ट ऑफ दिस एंटायर प्रोसेस, दे वर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इट लेजिस्लेशन। And the Honorable Prime Minister had thanked every single opposition parties. And today when they are not being part of this historic day, it is very unfortunate.
जीएसटी का ऐसा मुहूर्त में विरोध करना मतलब देश का प्रगति के साथ खिलवाड़ करना। हम चाहते हैं कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और बाकी सारे पार्टी जो इसका फायदा उठाना चाहते हैं, पॉलिटिकली इसको खेलना चाहता है, वो पॉलिटिकल खेल बंद करे। देश का तरक्की के साथ पॉलिटिकल खेलना एक भयंकर अपराध माना जाता है।